There are a few things that we have to understand. For example, when we say that we have to get help in extreme situations, those extreme situations, may there are a few things that are important for us to bear in mind. The first thing is that we have to meet commitments. No doubt that bazukat pressure no doubt that circumstances are viable and feasible. एट द सेम टाइम हमें कोशिश यह करनी है कि हम अपनी डेड को मीट वो कर सकें बिकॉज दैट इज अगेन अ पॉजिटिव कंडक्ट दैट इज अगेन समथिंग जिससे कि आप अपनी रिप्यूट अपनी क्रेडिबिलिटी वो भी बेहतर कर सकते हो पर्टिकुलरली जब आप इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व हो तो रिमेंबर आपकी कमिटमेंट विद विदेड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन रखने चाहिए हमारे पास रिटर्न में एक्सप्लिसिट वे में रिकॉर्ड्स मेंटेन हो ताकि कहीं पर भी अगर जवाब भी हो काउंटेबिलिटी हो तो हम चीजें शो कर सकें कि हमने कहां तक अचीव किया कैसे अचीव किया कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे तो कीपिंग द रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आप दूसरों को यह मौका न मत दें कि वो आपके कॉन्टेक्स्ट में आपके बिहाफ पर वो बात करें यू शुड बी क्लियर टू योर सेल्फ यू शुड बी क्लियर टू अदर्स आप खुद चेकअप करें अपने सर्कमस्टांसिस को अपनी सिचुएशन को बिकॉज दूसरा शख्स शायद उस हकीकत को बेहतर तौर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जो एक्चुअली आप समझते हो देयर फोर डोन्ट लेट अदर स्पीक फॉर यू अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हैव टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली अवर ट्रैकिंग ट्रैकिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स ट्रैकिंग ऑफ द स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ट्रैकिंग ऑफ द डेवलपमेंट सो दैट उस ट्रैकिंग में यह अंदाजा किया जा सके कि कहां कहां पर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को बेहतर करने की जरूरत है कहां पर कोई कमी रह गई जिसको के करेक्ट करने की ज़रूरत है कहां पर हमने चीज़ों को री एनर्जाइज करना है कहां पर हमने चीज़ों को री इंजीनियर करना है सो so ये तमाम तर चीज़ें हमें हेल्प करती हैं मकासद को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में और साथ ही साथ अगर कहीं पर दुश्वारी हो तो वी कैन ऑलवेज सीक हेल्प ऑफ अवर सीनियर्स अवर लीडर्स अवर मेटोर अवर पीपल आर देयर टू अस एंड अस साथ ही जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो देर आर फ्यू अदर थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहली चीज कोशिश करें कि आप पैसिव एग्रेसिव लोगों के साथ काम वो ना करें और अगर जरूरत हो और अगर वक्त का तकाजा हो

क्या है आप किस बात को कैसे परसीव करते हो उस परसेप्शन के बाद आप उसका इजहार कैसे करते हो सो so, ये तमाम चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए और उसको आप डिवेलप कर सकते हो थ्रू प्रैक्टिस through rehearsal and through obviously going through the situation by time and time again dear students yaad rakhe ki emotion intelligence sirf ek developmental phase ka naam nahi hai isme execution bhi bahut important hai aur aap situations के अंदर जब execute करते हो अपने रद्द अमल को अपने रिएक्शन को तो तभी आप जान पाते हो कि आपको भी कहां पर करेक्शन की जरूरत है कहां पर हेल्प की वो जरूरत है Thank you.